पहरेदार पिया की। पिया भाई साहब, आज तक अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला, बड़ा या छोटा, आपने कभी भी हमारी मर्जी के बिना नहीं लिया, और आज इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमारे बारे में सोचा ही नहीं, खुद के बारे में नहीं सोचा, कैसे किया आपने दिया भाई साहब ये? बस आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो वो हादसा याद आ गया, जब बापजी सा ने हमारी जान बचाई थी, वो भी उस वक्त हमें मरने दे सकते थे, पर नहीं, निस्वार्थी होके उन्होंने हमारी जान बचाई। तभी उन्होंने भी खुद के बारे में नहीं सोचा था, सिर्फ हमारे बारे में सोचा। आज अगर हम जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाप जीसा की वजह से जिंदा है मासा। हमारी जिंदगी एक जीवन दान है जो उन्होंने हमें दिया है, बस वही जिंदगी उन्हें वापस लौटा रही हूं। और आप भी जानते हैं कि रतन सा की जान खतरे में है, उनकी जान के साथ बापजी सा सिर्फ हम पे विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास है कि अगर कोई रतन सा की जान बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। तो हम पीछे कैसे हट जाएं? दिया भाई साहब, हम उनके एहसान भूले नहीं हैं, हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन यूं जज्बातों में बहकर इतने बड़े फैसले लेने में कोई अकलमंदी नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब, जीवन भर का वचन है, और एक बार आपने शादी कर ली ना तो पीछे नहीं मुड़ पाएंगी, और अभी तो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और अभी कुंवर साहब वो रोके के लिए अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, वो जो जिंदगी आपको दे सकते हैं ना, उसके सपने हम सपने देखे हैं भाई साहब। तू दुनिया मेरी, मांगू तेरी खैर मैं, सलामत बस रहे, पाकर तुझे खुद को खोया है, सौंपी है एक प्रथा ने हिफाजत तेरी, जग ने रिश्ता दिया। हमेशा आप दोनों के साथ रहेगा।
ना, आपको अपना वादा याद है। तो आपको मम हमेशा दिया की इज्जत करेंगे और उन्हें प्यार भी करेंगे। और राजा राजपूत कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते। दादा हुकुम का परिवार पधार रहा है। अब तो अपने ही घर में दुश्मन रहते हैं, रतन साह की जान की दुश्मन।